और रसम बदलती जाए और सवेरे हो तब लल्ला मांगे चाय 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 मम्मी चाय 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 पापा पांडाल में बैठे हुए मेरे भाई और बहनों एक एक बात को हृदय में बसा लेना ये चाय जा अंग्रेजन की जूठन भाजा ने सत्यानाश कर दिया मेरे देश का दूध दही मक्खन रबड़ी और रसम बदलती जाए रसम बदलती जाए और सवेरे हो तो पप्पू मांगे अब गैया कोई नहीं पाल रहा कुत्ते पाले जा रहे हैं और इन लड़का लड़कियों को तो खेल ही बदलियो लड़का कुतिया पाल रहे और लड़कियां कुत्ता पाल रहे दूध की कमी आए तो नहीं मेरे देश में रुपए का दूध आस पास रोज सवेरे लाभ अब दो रुपया को दाल समोसा दस रुपया दे अब डाल के चाय में खावा खुश हो जाए लला का खाई रहो बिस्कुट कुटो भाव बिस तो जवानी का भगवान तुम्हारी लला में हाथ तक घुसे थे कभी नहीं आ सकती ए भैया दो रुपया फूल लाए समोसा दो रुपया फूल लाए समोसा दस रुपया दे चाय में खावे पुनमा खुश हो जाए अरे पुनमा खुश हो जाए सवेरे हो तब लल्ला मांगे चाय 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 इसलिए मेरा कहना है कि अपने अपने बेटाओं को ए सहदेव जी तुम कहां नजर रखते हो मेरे भाइयों अपने बेटा के लिए कभी चाय मत पिलाना और भागवत में लिखा है अपने बेटा को कभी तो तुम एकांत में हाल मत जाने दो अगर तुम्हारा बेटा एकांत में जाएगा तो समझ लेना कोई गुल खिला रहा है विश्वास मत करना अपने बेटा को कभी तो तुम मत जाने दो छेल छबीले कुंडन के संग बागों की हवा रेखा के पति उग्रसेन के स्वरूप में आ गया कहने लगा ए क्यों चीख रही हो झुंझलाकर क्या बोला मैया पवन रेखा से बोला बापी रूधन छोड़ो हाजिर है तेरा लखबाला हाजिर है तेरा लखबाला मेरे
आवाज में कहने लगी, नहीं पिया, अभी मैं आपके सामने रंगरलियां नहीं मना सकती हूँ। दांती को पीस कर दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, ए पतिव्रत धर्म निभाने का अग्रसित भरती थी तू, धोखे से बानी चने करो सती संभोग, और प्रगट हो गया अंत में रानी को संयोग। आज उस दुखिया के साथ में जब दुर्मिलिक नाम के व्यक्ति निछल गया, बाद के अपने असली स्वरूप में आ गए। जब असली स्वरूप में आया, मेरे प्यारे भक्तों, दांती को पीस करके मैया पवर रेखा कहने लगी, ओ कमीन चला जा, गालियां देने लगी। लेकिन दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, हूं तुम हमें गालियां दे रही हो, हमने तुम्हारी सूखी हुई बगिया को पानी लगाया है और दे लो गालियां, लेकिन जाओ, तुम्हारी गालियों के बदले हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, तुम्हारे गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा, और वो बेटा कैसा होगा? दांती को पीस करके दुखिया कहने लगे, ओ कमीन, जैसा बाप होगा वैसी औलाद होगी। मेरे भाइयों, कहने लगा, नहीं, मेरे समान योद्धा होगा कोई जग में जीत न पाएगा। देवताओं की तो औकात ही क्या है, देवराज इंद्र भी उनके सामने परास्त हो जाएंगे। अब ये दुखिया, ए लड़कियों, तुम बहुत बात करती हो आगे बैठकर, कुछ दान दाताओं के नाम, नरबीर भैया जी, ए बातों का क्या, अरे संसार में चाहे कितनी झूठी कसकस खाओ, चाहे कितने ही पाप कमाइए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे कितनी बातें करिए, उससे फायदा क्या अगर तुमने भगवान का नाम नहीं लिया? सुनिए जरा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है प्यारे नाते सब नातों का क्या, कसमे बाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अगर यहां पर तुम अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा तुम्हारी लाज हर जगह बचाएगा, लेकिन जब प्रभु के यहां पहुंचोगे तो भगवान तुम्हारे सामने होगा, चित्रगुप्त तुम्हारे फाइल खोलेंगे जिसमें तुम्हारा लेखा जोखा लिखा होगा, उस समय परमात्मा भी कुछ नहीं करेंगे। ए भैया, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा, आसमान में, अरे आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे,
कसमे बाते प्यार बपा सब बातें हैं बातों का क्या। और तुम्हारे गांव वाले घर परिवार वाले ये क्या करेंगे, सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे तेरे, अपने ही घर वाले तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और देते हैं भगवान को धोखा, अरे देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे बाते यार बफा सब बातें हैं बातों का क्या। मैंने देखा है कि माताएं बहनें कितने प्यार से बैठी हैं, इनके पुत्र बधुओं के अगर लड़का पैदा हो जाता है तो बड़ी खुशी करती हैं, खुशियां मनाती हैं, लेकिन बिटिया पैदा हो जाती है तो हाय हाय, ये अपने पुत्र बधु से मनसों बात भी नहीं करती हैं। लेकिन माताओं लड़कियां भी लड़कों से कई गुना आगे। हमने कल कविता सुनाई थी लड़की के ऊपर, तो मानपुर बालों भाइयों का कहना है कि सुखदेव जी हाथ जोड़ करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे लिए वह कविता जरूर सुनाइए। तो ठीक है, मैं दो लाइनें दोहरा रहा हूं उसके लिए। एक लड़की का विवाह हुआ और लड़के वाले ने मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए और किंकर किंकड़ियां सोना चांदी सब कुछ मांगा। लड़की वाले ने सब कुछ दिया लेकिन एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाया था। लड़की जब अपनी ससुराल में पहुंचती है, हाय हाय, लड़के वाले बहुत परेशान करते हैं, भोजन टाइम से नहीं देते मेरे प्यारे भक्तों, भोजन टाइम से नहीं देते और पैसा पैसा तो झांक करके भी नहीं निकलने देते हैं। आज वो लड़की अपनी उंगली को काट कर खून से पत्र लिखने लगी, अपने पिताजी से कहती है, हे पिता तुमको मेरी सौगंध है, मुझे सच बताना। और क्या कहती है, और खून से उंगली को काट कर खून से वो शब्द बनाती है। तब तक वो शब्द बिगड़ जाता है क्योंकि आंसू निकल करके शब्द पर गिर जाता है। फिर से बेचारी उसको पोछती है, फिर अपनी उंगली के खून से लिखती है। और क्या लिखती है आप लोग गौर फरमाइए, लिखा कि सच बात पूछती हूँ छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हे पिता कि तुम्हारी इतनी भी संपत्ति नहीं रही जो कि किराया खर्च करके मुझे अपने घर बुला लो। लिखा और क्या कहती है वो बहन, सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और क्या लिखती है, पैदा हुई घर में मेरे महतम सचाया था, कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया था, आहा तुम्हारे घर में महतम सचा गया था। और वास्तव में ये सच्चाई है, अगर लड़की हमारे घर पैदा होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक चुभ होती हो। वो बात याद दिलाती हुई लड़की कहती है, पिताजी पैदा हुई घर में मेरे महतम सचाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी,
कि आयाज मेरी आती नहीं। रोती है, अपने पिता के दर्द को याद दिलाती है और कहती है, पिताजी बचपन में मेरी जितनी भी जिदें थी वो सारी की सारी जिदें तुमने मेरी पूरी की थी। अपनी जिद को याद दिलाती हुई लड़की कहती है, पिता हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते बेटी थे मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल मेरी आई ओ मेरी फाक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझको बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और अपने पिताजी बेचारे बड़े गरीब होते हैं तो गरीब वाला दिन याद दिला करके वो लड़की कहती है, पिताजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। गरीब बाप बेचारा कितना कमा लेता है, 100-200 रुपए, वो भी एक एक पैसा इकट्ठा करके अपनी पत्नी अपनी बेटी का विवाह करता है, अपनी पत्नी का पेट भरता है। वो बात याद दिलाती लड़की और क्या कहती है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न खाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक एक पैसा इकट्ठा करके पिताजी अपनी बिटिया हो रहा है, अपनी बिटिया का विवाह करते हैं, लेकिन अपने पिताजी का दर्द याद दिलाती है और लड़की कहती है, पिता जब मैं छोटी सी थी तो तुम मुझसे कहा करते थे कि बिटिया तेरे बगैर मैं एक पल भी गुजारा नहीं कर सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। वो बात याद दिला करके वह लड़की बोली, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां करते थे और छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और एक बात कहती है, हे पिता मैं तो यही कहूंगा लोगों, या तो भगवान पैसे वालों को लड़के न दे, और अगर लड़के भी दे तो परमपिता परमात्मा उनके लड़कों को लड़कियां बना दे जिससे कि ये लोग दहेज ही न मांग सके। वह लड़की रो करके कहती है, हे पिता कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। और ये हमारे पिताजी जो भी हम इस मंच पर बैठे हैं, टूटी फूटी बाणी को जो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो बस इन्हीं का दिया हुआ है। घर में हमारे लिए कभी सोने भी नहीं देते हैं सिवाय अध्ययन करने के लिए। हमें प्रसन्न होकर 501 मुद्राएं दान करते हैं। मैं भगवान कन्हैया से इबादत करूंगा, इनके दोनों हाथ भक्ति से इनका हृदय भरा रहे। सभी कलाकारों के लिए 100-100 मुद्राएं दान करते हैं। और वह लड़की रोकर के कहती है पिताजी से, कहे पिता
कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है पापा बताना, मेरा कौन सा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पिहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, या पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। इसलिए मेरा सभी भाइयों से कहना है, अगर तुम्हारे घर में बेटियां जन्म ले तो कभी उन्हें बेटाओं से कम मत समझना। और ये 500 मुद्राएं हमारी बहन ये निधि यादव जी ये अपने पवित्र हाथों से 500 मुद्राएं दान करती हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सर्वदा सुखी रखे। इस कविता पर प्रसन्न होकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए दान करती हैं। लोगों याद रखना, दान करने से कभी घर में कमी नहीं आती। और भगवान कन्हैया अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन अरे तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न कर दूं तो कहना। अरे दान देने से कभी धन की हानि नहीं होती है, सिवाय लाभ के। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया पवर रेखा घर आती है, समय की वृद्ध होने लगी, 9 महीना 9 दिन के बाद जब दुखिया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और ये हमारी माता जी आई हैं जलेश्वरी जी के नाम से ऊंचे नगला की तरफ से 101 मुद्राएं दान करती हैं। मैया के चरणों में हाथ जोड़ करके चरण वंदना करता हूं। परमात्मा इस मैया के लिए सद्बुद्धि प्रदान करे, यही मेरी भगवान कन्हैया से मंगलमय कामना है। भगवान सर्वदा सुखी रखे। मेरे भाइयों, जब मैया पवर रेखा के बेटा पैदा हुआ, सपूत पूत होता है तो ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बारिश, ऐसा मौसम हो जाता है। जब कपूत का जन्म होता है तो सुनिए जरा, बेटे के पैदा होते ही आधी तूफान मचाने लगे, हेलो लगी, महात्मा लोग झाड़ी में छिपने लगे, अंतरिक्ष में काली काली घटाएं आने लगी, ओले की बारिश होने लगी। मेरे नौजवान साथियों, चतुर ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम रखा भोजराज कंस।
धीरे 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 भोजराज कंस 5 वर्ष का हो जाता है। अरे भैया जब 5 वर्ष कुंभव गांव के नन्हे नन्हे लली ललन को बाहर ले जाता है और क्या करता है उनके साथ, गांव के छोलन को ले बाहर जावे, गांव के छोलन को ले बाहर जावे, कछु के ले एक लड़का आ रहा है। कंस ने बुलाया है, किधर जाता है? लड़का कहने लगा भैया मैं अपने घर जा रहा हूं, इधर आ। अब कंस ने बाया अपने पास बुला, अब बोला क्या बना तेरे घर? लड़का कहने लगा भैया मेरे घर खीर बनी है। कंस बोला अपनी जीभ निकाल और मेरी जीभ से लगा, अगर तेरी जीभ मीठी होगी